नमस्कार, मैं डॉक्टर आशिमा असनानी। मैं एक फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट हूँ एट ओम्या फर्टिलिटी सफदरजंग एंग्लेव। आज हम बात करने जा रहे हैं पुरुषों में एक समस्या जिसको कहते हैं रेट्रोग्रेड इजैक्युलेशन। रेट्रोग्रेड इजैक्युलेशन में क्या होता है कि पेशाब में स्पर्म की मात्रा जब ज़्यादा हो जाती है तो इसे रेट्रोग्रेड इजैक्युलेशन कहते हैं। कभी कभी क्या होता है कि मूत्र द्वार से वीर्य निकलने के बजाय पेशाब की थैली में अगर चला जाता है तो इसे रेट्रोग्रेड इजैक्युलेशन की समस्या होती है। ये समस्या बहुत कॉमन नहीं है, 0.3 से 2% लोगों में ही देखी गई है, पर अगर ये अनट्रीटेड रहे तो ये बांझपन का कारण बन सकती है। तो इस समस्या के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है, ये समस्या होती क्यों है, इससे क्या इसका कोई इलाज है और कैसे बांझपन का इलाज किया जा सकता है रेट्रोग्रेड इजैक्युलेशन होने के बावजूद। अब जानते हैं ये समस्या होती कैसे है। बेसिकली रेट्रोग्रेड इजैक्युलेशन में क्या होता है कि जो है वीर्य बाहर निकलने के बजाय पेशाब की थैली में चला जाता है। जो ब्लैडर के नेक के पास जो मांसपेशियां होती हैं अगर वो वीक हो जाए या किसी कारण उन्हें चोट पहुंची है तो उससे क्या होता है कि वहाँ का वैल्व जो है वो ठीक से बंद नहीं हो पाता इंटरकोर्स के टाइम में और वीर्य जो है बाहर निकलने के बजाय पेशाब की थैली में आ जाता है। ऐसी कुछ कंडीशंस हैं जिसमें ये रेट्रोग्रेड इजैक्युलेशन बहुत कॉमनली देखा गया है, जैसे कि अगर आप डायबिटिक हैं, आप हाइपरटेंसिव हैं या आपको मल्टीपल स्क्लेरोसिस है जिससे कि नेक की ब्लैडर नेक की जो नर्व डैमेज है उसकी वजह से ये वॉल्व जो है पूरी तरह से बंद नहीं हो पा रहा, या फिर आप कुछ दवाइयाँ ले रहे हैं जैसे कि प्रोस्टेट के निदान के लिए बहुत बार अल्फा ब्लॉकर्स नाम की दवाइयाँ चलाई जाती हैं जिनका ये एक बहुत कॉमन साइड इफ़ेक्ट है कि वीर्य या तो निकलता ही नहीं है या तो कम निकलता है, या आपको यूरेथ्रल स्टेनोसिस की कोई प्रॉब्लम है जिससे कि प्रेशर की वजह से ब्लैडर की तरफ वीर्य का बहाव हो रहा है। तो ये सब कंडीशंस में होता है कि रेट्रोग्रेड इजैक्युलेशन देखा गया है। अगर ये दवाइयों की वजह से हो रहा है तो इसका ट्रीटमेंट बहुत ही आसान है। ये दवाइयाँ बंद करने के बाद इसका इजाद हो सकता है, ये रिवर्स हो सकता है। अब बात करते हैं कि क्या लक्षण हैं रेट्रोग्रेड इजैक्युलेशन के लिए। रेट्रोग्रेड इजैक्युलेशन के लिए एज सच कोई बाहर कोई सिम्टम्स आपको नहीं दिखते हैं। पहला जो सिम्टम कई बार पता लगता है कि बांझपन की समस्या है जिससे पता चलता है कि हाँ यूरिन में स्पर्म्स आ रहे हैं और बाहर इंटरकोर्स के टाइम पे वीर्य निकलता ही नहीं है या कम निकल रहा है। दूसरा पेशाब का धुंधलापन होना इंटरकोर्स के बाद। तो ये सब जो समस्याएं हैं आप जब ऐसे लक्षण देखें तो आप सोच सकते हैं कि हाँ क्या रेट्रोग्रेड इजैक्युलेशन की समस्या है। और इसका टेस्ट भी बहुत साधारण है, आपको एक लैब में सिर्फ एक यूरिन फॉर स्पर्म्स के लिए सैंपल देना है जो एक स्टेराइल कंटेनर में कलेक्ट किया जाएगा इंटरकोर्स के बाद। अगर उसमें स्पर्म की मात्रा पाई जाती है तो इससे पता लगता है कि रेट्रोग्रेड इजैक्युलेशन है। क्या ये समस्या हानिकारक है? नहीं, ये समस्या बहुत सीरियस नहीं है, बट जब लंबे टाइम तक ये अनट्रीटेड रहे तो ये बांझपन का एक कारण बन सकती है। तो अब आज जानते हैं कि क्या हम इसका क्या ट्रीटमेंट कर सकते हैं और कैसे इन केसेस में प्रेगनेंसी हो सकती है। तो पहले तो अगर आप कुछ अल्फा ब्लॉकर या जैसी दवाइयाँ ले रहे हैं तो आप डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं कि वो दवाइयाँ बदल दें जिससे ये कंडीशन रिवर्स हो जाए। मान लीजिए अगर इरिवर्सिबल कंडीशन है तो उसमें क्या करा जा सकता है कि ये जो स्पर्म्स हैं यूरिन से भी एक्सट्रैक्ट करे जा सकते हैं या कुछ कॉमनली प्रोसीजर्स जैसे टेसे या पीसा द्वारा स्पर्म्स को एक्सट्रैक्ट करा जाता है और फिर इन विट्रो फर्टिलाइजेशन या टेस्ट ट्यूब बेबी द्वारा बच्चा हो सकता है। उसमें क्या होता है कि महिला के जो है अंडे बाहर इंजेक्शन लगा के निकाले जाते हैं और फिर जो है विशेषज्ञ जब स्पर्म को एक्सट्रैक्ट करते हैं यूरिन से या किसी सर्जिकल प्रोसीजर से, फिर अंडे के साथ जोड़कर स्पर्म्स को एक भ्रूण बनाया जाता है और फिर वो महिला के बच्चेदानी में इम्प्लांट किया जाता है। तो इस तरीके से बांझपन का भी इलाज पॉसिबल है। जैसे कि ये समस्या बहुत कॉमन नहीं है, पर इसके बारे में अगर आप कोई और जानकारी चाहते हैं तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं एट ओम्या फर्टिलिटी सफदरजंग एंक्लेव न्यू दिल्ली। Thank you.